हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ, मैं कितना अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जॉब, आपका पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम या फिर एनी एनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों मैंने जब ये चैनल बनाया था से 6 और 8 मंथ्स बिफोर, मैंने नहीं सोचा था कि आपकी इतनी मेरे साथ एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी। मैं पहले नॉर्मली डालता था, बट जब यहाँ से जॉब लगनी चालू हुई, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता है, आधे बंदे बताते नहीं हैं, आधों की मेरे पास मेल आ जाती है, वो बोलते हैं कि हमारा जो लड़कियाँ होती कि कॉन्फिडेंशियल रखी है हमारे मैसेजेस या फिर ये, तो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, बट हाँ देख के मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को मैं नहीं चाहता कि बताऊँ। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, वैकेंसी बहुत बंदों की लगती है, आपकी भी ज़रूर लगेगी, बस आप एक चीज़ कीजिए दोस्तों, फॉर्म ऑल फॉर्म सबमिट कीजिए। जॉब कहाँ लग जाए, याद रखिए, अपने आप को ना सबसे पहले कंपेयर मत कीजिए किसी से कि उसकी लग गई, वो मेरे से नीचे था या मैं उससे ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, ये वो, बिल्कुल नहीं। याद रखो, लाइफ की लास्ट कामयाबी को पाने का जो लास्ट मौका होता है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है। हमें मैक्सिमम चीज़ें तभी मिलती है जब हम सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। तो उम्मीदें छोड़ने वाले को मैं ज़्यादा बोलूँगा कि अप्लाई करते रहें और बॉडी के अंदर एक अलग तरीका का जुनून बनाए रखें। तो आज की जो अपडेट है ये है RCFL में। RCFL की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में। ये परमानेंट जॉब होने वाली है। ये किस किस के लिए एलिजिबल है, ये कुछ वैकेंसीज निकली हुई है, कुछ वैकेंसी 16 तारीख को पोस्ट आउट होने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे ये जूनियर फायरमैन में, फायरमैन की, हो सकता है कि इसमें सिविल वाले भी एलिजिबल हो जाएं, सिविल वाले या फिर ऑल ऑल ब्रांचेज भी इसमें एलिजिबल हो सकती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है, डिटेल एडवर्टीजमेंट इनका 23-3 को आएगा। बट इसका जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, उनका जो है एडवर्टीजमेंट 16-3 को आएगा, मतलब वो कल या परसों को उसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा सुबह 8 बजे। तो दोस्तों इसमें सीटें भी बहुत होने वाली है, और इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी हमेशा अच्छी मिलती है आज के टाइम में, 60,000। जी हाँ, इसमें सैलरी जो रहने वाली है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, फिट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी इतनी, और मैकेनिकल के लिए भी 60,000। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है जो इन्होंने सामने लिख दी है ग्रेड पे पे। इसमें आपकी A6 में कैटेगरी में जॉब लगेगी दोस्तों। कुछ वैकेंसी अभी ओपन भी है, बट उससे पहले मैं यही बता दूंगा कि ये जो आप इसीलिए अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं अपडेट जैसे ही इसकी आएगी मैं सीधा सीधा आपके सामने वो अपडेट लेके आऊँगा। दोस्तों इसमें देखिए, ये ऑपरेटर केमिकल ट्रेनीज के लिए आएगी वैकेंसी, जो भी आएगी ट्रेनीज विल बी एब्जॉर्ब इन ग्रेड 2। दोस्तों ये सारी की सारी वैकेंसी जो आ रही है, इधर भी आप देखेंगे टेक्नीशियन ट्रेनी, इसमें डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल 110% रहेंगे, बट हो सकता है कि इसमें बीटेक वाले भी, क्योंकि देखिए कहीं भी लोअर डिग्री की लिमिट होती है, हायर डिग्री की बहुत कंपनियों में नहीं होती। तो दोस्तों इसीलिए बीटेक डिप्लोमा वाले यहाँ दोनों ही एलिजिबल हो सकते हैं। ये कब आएगा, ये आएगा 16-3 को, और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन और ऑनलाइन, और दोस्तों एक चीज, लास्ट डेट जो रहेगी वो 4-4 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसीलिए इसको, इसके बारे में एक वीडियो और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जब जब फॉर्म आता है तब मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो एक और बना दूंगा। इसमें कुछ वैकेंसीज है, इसमें सभी ब्रांचेज एलिजिबल हो जाएंगे, जूनियर फायरमैन या सिविल वाले 110% एलिजिबल रहेगा, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की मैंने दे ही दी है। कुछ वैकेंसी और निकली हुई है, जब आप साइड में देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल एंड जूनियर टर्म्स, जूनियर फायरमैन, तो दोस्तों इसका जो है आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या है कि मैंने ऑलरेडी इसका एडवर्टीजमेंट अभी डाउनलोड कर लिया था, अभी मैं आपको पढ़ के इसका सुना देता हूँ क्या क्या इसमें कौन कौन एलिजिबल होने वाले हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज है जो ओपन है, 133 वैकेंसीज है। इसमें रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन वाले अलग अलग हैं, और फिर फुल टाइम इसमें अलग अलग मांगा गया है। अगर आपके पास केमिकल से डिग्री, केमिकल से डिप्लोमा है, या फिर आपके कोई जानने में BSc किसी ने केमिस्ट्री से की है, तो वो यहाँ एलिजिबल होने वाला है। दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये फुल टाइम डिप्लोमा वालों के लिए है, और इसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें डायरेक्टली एलिजिबल हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बस आप क्या है, फ्रेशर भी एलिजिबल है, और इसमें कोई 60% का क्राइटेरिया भी नहीं है। इन्होंने 55% अकेडमिक करियर के मार्क्स मांगे हैं, 55% तो आपके इजीली होंगे ही। तो दोस्तों ये जो क्वालिफिकेशन है, ये फोर्थ ईयर आप देखेंगे, फोर्थ ईयर मतलब इन्होंने बीटेक भी मांगी है। ये क्वालिफिकेशन इन्होंने देखिए, फोर्थ ईयर 8 सेमेस्टर और 3.5 सेमेस्टर रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल, इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अंडर सैंडविच
अंडर सैंडविच पैटर्न फ्रॉम UGC AICTE रिकॉग इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखेंगे आप, जब 8th सेमेस्टर भी बोल दिया है, 8th सेमेस्टर मतलब BTEC, तो इसमें और उसके बाद डिप्लोमा भी बोला है, तो दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद भी कुछ वैकेंसी और भी निकली हुई है अलग अलग के लिए, और ये पेज 4x4 पे आप जाएंगे तो इसमें अलग अलग सबकी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है। और दूसरी चीज जो है वो जूनियर फायरमैन के लिए, जूनियर फायरमैन के लिए क्या मांगा है इन्होंने, इन्होंने फायर एंड सेफ्टी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम कितना 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका कोई जानने वाला फायर एंड सेफ्टी से डिप्लोमा कर रखा है तो उसको यहाँ बता दीजिएगा। उसके लिए अप्लाई लिंक भी इसका ऑलरेडी सामने ही मिल जाएगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, वो भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको इजीली बोल रहा हूं कि आप प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके अंडर में है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को फॉलो करते रहें। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तो लाइक करके जरूर जाएं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खास होने वाली है इसीलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।